मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बलरामपुर के पंचपेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। साथ ही वहां पर पहुंचते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समाजवादी पार्टी में सदैव आतंकवादियों का साथ देती है। सपा शासन में सिर्फ गुंडों और माफियाओं का रास्ता। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दिग्गज माफिया अब जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार में माफिया दंदन आते थे कि नहीं दंदन आते थे? माफिया दंदन आते थे कि नहीं दंदन आते थे? गुंडागर्दी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना? आप बताइए, ये आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आप मुख्तार अब ये अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? तो लेटा है कोई? आतिक अहमद दंदनाता था कि नहीं? आजकल ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। सुल्तानपुर में पांचवें चरण में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुल्तानपुर पहुंचे और वहां पांचों बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। नगर के खुर्शीद क्लब में आयोजित इस जनसभा को सुनने के लिए जिलों के हजारों लोग पहुंचे थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए जहां मोदी और योगी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को शेयर किया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक तो योगी जी हैं जो आपकी रक्षा के लिए दिन रात एक काम कर रहे हैं, और एक तरफ अखिलेश जी लोग हैं जो खान साहब को, फलाने साहब को, अंसारी साहब को, इनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों को आप समर्थन देंगे क्या? ऐसे लोगों को आप समर्थन देंगे क्या? मित्रों, ये मैं सुल्तानपुर में यहाँ बैठे लोगों को, माताओं बहनों को इसे नहीं कह रहा हूं। आपके माध्यम से सुल्तानपुर के हर विधानसभा के लिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप इन सब लोगों को चुनाव जिताएं। ये राष्ट्रवाद का रास्ता है, ये विकास का रास्ता है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है, और समाजवादी पार्टी का रास्ता विनाश का रास्ता है, अपने ऊपर काले बादल छाने का रास्ता है। उन्नाव में भगवंत नगर विधानसभा में सपा ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, MLC सुनील साजन, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ल और पूर्व विधायक राम कुमार निषाद के साथ साथ और भी कई लोग मौजूद रहे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।